चंद्रमोहन कुमार की बड़ी खबर। लालू के घर आरजेडी की जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है और ये बैठक कई मायने में बहुत अहम थी क्योंकि लगातार इस बैठक को लेकर बीजेपी का विरोध करने पर फंसाया गया ऐसा कहा जा रहा था, ये आरोप लग रहे थे आरजेडी की तरफ से। और आज ये बैठक हुई, इसके बाद जब बैठक के बाद बातें हुई तो फिर यही सामने आया कि बीजेपी का विरोध करने पर फंसाया गया है। जो भी कार्रवाई लालू यादव के खिलाफ हुई है, चाहे वो सीबीआई का छापा हो, चाहे अब ईडी केस दर्ज करने की बात कर रही हो, ये सब बीजेपी की साजिश करार दिया गया है आरजेडी की तरफ से। गठबंधन की सरकार है, गठबंधन को अस्थिर करने की कोशिश किस किस तरह से की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो हम लोग आप देख रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई भी फैसला ले सकते हैं? सोनिया गांधी ने फोन करके इनका हाल चाल लिया, ममता बनर्जी ने लिया, शरद पवार ने लिया, सबने लिया, लेकिन नीतीश ने क्यों नहीं लिया? कल वो भी बात किए हैं, क्या बात कर रहे हैं? बात किए हैं, बोलिए बोलिए। कल वो भी बात किए, क्या फोन किया? तबीयत खराब होने के चलते वो नहीं बात किया। कल लालू जी से होगी बात, नीतीश जी फोन किए थे, नीतीश जी ने लालू जी को फोन किया। हाँ, बात की, बातचीत हुई है। अच्छा, देखिए तो कितना आप लोगों को समाचार देंगे, नहीं देंगे? सब उसमें लिखा हुआ है। आपके मुख्यमंत्री इस तरह का सवाल, मतलब हेतु हेतु में उत्तर नहीं दिया जाता, सब स्थिति है। तो नीतीश की खामोशी जो है वो कई सवाल पैदा कर रही है और उनसे जुड़े हुए सवाल जब इनके सामने रखे गए तो जो आरजेडी के नेता जो बाहर निकले, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो इसे जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि बीजेपी हमारी ताकत से डर गई और इसीलिए इस तरीके की हरकत को अंजाम बीजेपी की तरफ से दिलवाया जा रहा है।